Hello students, welcome to Malvi Academy. I hope you are doing well and studying joyfully. Sabhi ko good afternoon. Good afternoon. कैसे हैं आप सब? जो भी बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, सारे वीडियोस देख रहे हैं, दे आर जस्ट कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड दे आर ग्रोइंग. वो लोग घर पे खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं एंड रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आई बिलीव दिस, है ना? और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको भी है कि कंसिस्टेंटली पढ़िए, क्लासेस को सुनिए, देखिए और फिर जस्ट कीप ग्रोइंग, है ना? तो देखिए, आज जैसा आप देख सकते हैं हमने क्या क्या किया अभी तक. हमने फिगर ऑफ स्पीच किया, सिनोनिम किया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया, ये चीज़ें की हैं हमने अभी तक. और आज हम लोग करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं स्टूडेंट्स? बोलिए. कुछ नहीं, प्रैक्टिस करने से वीक जैसा कुछ नहीं होता है. एफर्ट देना होता है, हर रोज प्रैक्टिस करना होता है, हर रोज सारी चीजें ठीक हो जाती हैं. वीक जैसा कुछ नहीं होता है. गुड. स्मार्ट चैनल, खुश? चलिए शुरू किया जाए. देखिए, कुछ कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा सा हम जान लेते हैं. जनरली कहा जाता है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए. तो बहुत ही कॉमन सा चीज़ है और ये इफ़ेक्टिव भी होता है. बट इफ़ेक्टिव कब होता है? जब आप क्वेश्चन सारे पढ़ लेते हैं और जब पूरा पैसेज पढ़ते हैं और वापस क्वेश्चन पे जाते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है और आप सिंपली क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ रहे हैं, फिर पैसेज वापस आके दूसरा क्वेश्चन, फिर पैसेज, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर पैसेज, तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाला होता है. ये इफ़ेक्टिव वे नहीं होता है, आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है ये चीज़. या तो आप अगर क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं तो पैसेज पूरा पढ़ के वापस आइए तो आपका सारा क्वेश्चन एक साथ बन जाना चाहिए. और नहीं तो आप शुरू में बहुत ही अच्छे से, बहुत कॉन्शियस होकर, पूरा कंसंट्रेशन होकर, बिना ये डरे कि ज़्यादा टाइम ले लेगा क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब माइंड से निकाल के कॉन्शियस होकर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन पे जाइए तो भी आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक है ना? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स. चलिए बढ़ा जाए आगे. तो शुरू करें अब. होमोनिम्स बताया था मैंने भूमि भारद्वाज, पढ़ाऊंगा मैं होमोनिम्स क्या था. उसमें होमोफोन्स और होमोग्राफ थे, मैंने डील किया था पिछले वीडियोज में, आप जाके देखिए. ठीक है, शुरू करें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. चलिए बहुत अच्छा. ये देखिए हमारा पहला पैसेज है, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले. ठीक है, ध्यान से सबको मेरा वॉइस सुनना है और नजर पूरे बोर्ड पर, इतना काम कीजिए, बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आएंगी. पहला क्वेश्चन है, एज अ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मॉडर्न means of entertainment, street theater affects climate change, affects the course of the river Ganga, helps popularize social reforms, helps make expressways. Choose the correct answer. ठीक है, पहला question ये है आपका. दूसरा question है, street theater is, यहाँ पे खाली स्थान, blank to stage, bogus and rubbish, very expensive and full of frills,
impractical, tasteless, and cares little for the audiences, affordable. चौथा ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है बउआ, स्ट्रीट थिएटर, सबको स्ट्रीट थिएटर क्रिएट्स एन और ए इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, स्यूडो, स्ट्रेसफुल एंड अनहैप्पी. इसको एक साथ कीजिए, अनहैप्पी, इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, इमोशनल, अनसाइंटिफिक, एरोगेंट एंड केयरलेस, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. अगला है स्ट्रीट थिएटर, फिर से ब्लैंक्स, इशूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी, सेल्डम डील्स विद द, इज इनडिफरेंट टू द, मोस्टली डील्स विद द, डज नॉट एट ऑल डील विद द. ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं. अब देखिए एक और क्वेश्चन है कि स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया, स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया, उसके बाद ये सिंपली मैच द फॉलोइंग है, देख लीजिए. टुडे स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटीज, थीम्स ऑन सब्सटेंस अब्यूज, एड्स अवेयरनेस, डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा. स्ट्रीट थिएटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट. ठीक है, क्वेश्चन सबने ध्यान से सुन लिया, पढ़ लिया, सबने ध्यान से क्वेश्चन सुन लिया है और पढ़ लिया है बच्चों, ठीक है. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पैसेज को. देखिए शुरू होता है पैसेज इस पहले टर्म से, स्ट्रीट थिएटर, इसका मतलब होता है नुक्कड़ नाटक. आपने देखा होगा कि चार पांच लोग एक जगह कुछ चीजों के साथ, अलग रंग बिरंगे कपड़ों के साथ या फिर पोस्टर के साथ कुछ करते रहते हैं, कुछ जोर जोर से बोलते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, एक ड्रामा टाइप का स्ट्रीट पे करते हैं, लोग करते हैं ना, नुक्कड़ नाटक कहते हैं उसको. ये सबको पता है ना, सबको पता है ना. तो स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म. पुराने समय से, प्राचीन काल से ही स्ट्रीट थिएटर जो है इंडिया में बहुत ही एस्टैब्लिश्ड है, यानी कि बहुत पहले से प्रचलित है, ये बहुत फेमस है, ये शुरू से चला आ रहा है. ठीक है, डिस्पाइट द प्रोलीफरेशन, इसका मतलब होता है बच्चों इंक्रीमेंट, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है. डिस्पाइट द एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, यानी मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों, तो देखते हैं सिनेमा, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स आ गया है ना, और क्या क्या, हॉटस्टार आ गया है. ये सारी चीजों के बावजूद यहां इंस्पाइट ऑफ भी लिख सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ या फिर सिर्फ डिस्पाइट, डिस्पाइट ऑफ नहीं, ठीक है, ग्रामेटिकल रूल है, याद रखना है. तो के बावजूद, किसके बावजूद, सिनेमा के, इस मॉडर्न मींस ऑफ एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के बावजूद भी स्ट्रीट थिएटर क्या कर रहा है, ये अपना दायरा बढ़ा रहा है. ठीक है ना, ये खत्म नहीं हुआ है, ये एंशिएंट में था और अभी भी ये चल रहा है. ठीक है, ठीक है ना. तो क्या कह रहा है कि डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज टू फ्लॉरिश इन इंडिया. क्या है, यह भारत में अभी भी फ्लॉरिश कर रहा है, ग्रो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर समथिंग गुड, अच्छे कॉज के लिए, फॉर गुड कॉज, फॉर गुड कॉज, ठीक है ना. तो क्या हो रहा है, तो अब स्ट्रीट थिएटर जो है चैनल बन गया है, वो माध्यम बन गया है, मीडियम बन गया है, ब्रिज बन गया है. ठीक है ना, इस चैनल का क्या मतलब है बच्चों, ब्रिज, माध्यम, मीडियम, ठीक है ना. अब स्ट्रीट थिएटर जो है
कम्युनिकेशन का साधन बन गया है इंडिया में, जो क्या कर रहा है, फैला रहा है रिफॉर्म्स के काम, ठीक है ना, बाय हाइलाइटिंग, बाय एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है किस चीज पे, तो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इश्यूज एंड सोशल इश्यूज या ठीक है, अब आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? नेटवर्क का थोड़ा इशू है, चलिए थैंक यू। हम लोग कहाँ थे, तो अभी तक देखिए कि स्ट्रीट थिएटर है जो कि एंशियंट टाइम से इंडिया में प्रचलन में है, और अब चूंकि मॉडर्न कम्युनिकेशन और क्या कहते हैं इसको, एंटरटेनमेंट के साधन आ चुके हैं, स्टिल स्ट्रीट थिएटर क्या है वो हटा नहीं है, वो आज भी क्या कर रहा है, वो फ्लॉरिश कर रहा है, और साथ में स्ट्रीट थिएटर अब ब्रिज बन गया है कम्युनिकेशन का, और अब क्या काम कर रहा है, तो अच्छे अच्छे चीज़ें अवेयरनेस प्रोग्राम्स ये समाज में प्रोपगेट कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है अच्छे कॉज के लिए, फॉर अ गुड कॉज, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ चलिए आगे देखिए। अनलाइक इन द ओल्डन डेज, यानी पुराने समय के बिल्कुल विपरीत, अनलाइक इन द ओल्डन डेज इट्स परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड, नो लॉन्गर रिस्ट्रेन्ड, नो लॉन्गर लिमिटेड, ठीक है, नो लॉन्गर लिमिटेड, कहीं और यहां लिख देते हैं, नो लॉन्गर लिमिटेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकैलिटीज ऑफ द सिटी। क्या है, पहले क्या था कि स्ट्रीट थिएटर जो थे सिंपली गांव में या सिटीज के छोटे छोटे लोकैलिटीज तक ही सीमित थे, पर अब ऐसा नहीं है। अनलाइक इन द ओल्डन डेज, पुराने समय में ऐसा होता था, क्या होता था कि परफॉर्मेंसेज जो होते थे विलेज और स्मॉल लोकैलिटीज तक सीमित थे, पर अब क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू दीज एरियाज, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, टुडे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ परफॉर्मर्स, परफॉर्म करने वाले, वो नाटक करने वाले, ठीक है ना, जिसमें कि स्टूडेंट्स भी होते हैं, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी भी होते हैं, हु वुड स्टेज परफॉर्मेंस, कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, कोई ना कोई टॉपिक होता है, कोई ना कोई थीम होता है, कोई ना कोई मैटर होता है, उस पर तैयारी करते हैं, और मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, और लोगों के जो विचार होते हैं, लोगों का जो परसेप्शन होता है, लोगों का जो व्यू पॉइंट होता है किसी टॉपिक पे, उस पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं, कुछ किसी का सोच किसी पर्टिकुलर विषय में कुछ उनको अभाव होगा जानकारी का, थोड़े से जिसको कहते हैं नैरो माइंडेड है, किसी को कहते हैं ना, तो शायद उनको जानकारी की
या किसी नॉलेज की कमी होती है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रीट थिएटर वाले उन पे अपना विचार का एक क्या कहते हैं, उनको एक नया आइडिया देते हैं, नया सोचने का तरीका देते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, अब से ये काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। टू हेल्प क्रिएट और रेज अवेयरनेस ओवर एन इशू ऑफ पर्टिकुलर पब्लिक इम्पॉर्टेंस, जो समाज के लिए बहुत ही जरूरी मुद्दा है, उन सभी बातों पर ये लोग परफॉर्मेंस देते हैं, ये नाटक करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई समस्या, चलिए आगे देखते हैं। थीम्स ऑन, देखिए यहां पे पीछे क्या लिखा हुआ था कि क्रिएट और रेज अवेयरनेस ओवर पर्टिकुलर पब्लिक इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ पर्टिकुलर पब्लिक, तो क्या क्या इश्यूज हैं देखिए, तो लिखता है कि थीम्स ऑन सब्सटेंस अब्यूज, मतलब कि बहुत ज्यादा ड्रग लेना, अल्कोहल लेना, इस तरह की बुरी आदतें जो है, इस पर वो लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे क्या क्या समस्याएं आती है, फैमिली बिखर जाता है और भी कई तरह की बातें। एड्स अवेयरनेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है बच्चों, तो सिंपली घरेलू हिंसा कहते हैं ना, कि एक मर्द किसी औरत पे हाथ चला दिया या किसी तरह उसको डांट रहा है, फटकार, जैसे तैसे बात कर रहा है, ठीक है। तो इस पे क्योंकि इक्वालिटी की बात होती है, डोमेस्टिक वायलेंस को के लिए कहा जाता है ये बहुत खराब है समाज के लिए, समाज को गर्त मिले जा रहा है, इस तरह की बातें। और सम ऑफ द हाइलाइटेड By contemporary street theater troupe, contemporary is समकालीन, present day, modern day troupe, यानी group, जो आज जो हैं, आज जो street theater करने वाले performers हैं, लोग हैं, वो इन बातों पर समाज को बताते हैं। अनलाइक इन रेगुलर ड्रामा, रेगुलर ड्रामा क्या होता है, ये भी तो एक स्ट्रीट थिएटर कह रहे हैं, यानी ड्रामा होता है, इसमें चार पांच लोग होते हैं, दस लोग कैरेक्टर्स होते हैं, साउंड होता है, प्रॉप्स होते हैं, ठीक है, म्यूजिक होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो रेगुलर ड्रामा से अलग ये ड्रामा कैसा होता है, इसमें प्रॉप्स कम यूज होते हैं। स्ट्रीट ड्रामा इंप्लॉयज, यानी कि यूजेज वेरी लिटिल प्रॉप्स, बहुत कम प्रॉप। क्या होता है बच्चों, तो मान के चलिए कॉस्ट्यूम आपने पहना है, ठीक है, और आपके किसी एक फ्रेम दिख रहा होगा इसमें, ठीक है, तो फ्रेम दिख रहा है, और मान के चलिए हम एक ड्रामेटिस्ट हैं, एक तरह से एक्टर हैं, ऐसा कहिए, और एक्टर हैं, तो मैंने कुछ कॉस्ट्यूम पहना है और आपको कुछ दिख रहा होगा, ये बोर्ड दिख रहा होगा और भी चीज़ें, फर्नीचर तो नहीं दिख रहा होगा, जो भी हो, पर एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने मान के चलो बोतल से पानी पी लिया, या फिर ये फ़ोन से किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, मैंने फ़ोन को, बोतल को, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है एक फ्रेम में दिखता है, वो सारे प्रॉप कहलाते हैं, ठीक है ना, उनका यूज करते हैं हम फ्रेम को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो स्ट्रीट थिएटर में प्रॉप का यूज कम होता है, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी इट्सेल्फ इज इनफ, अपने बॉडी से ही, अपने एक्सप्रेशन से ही, अपने डायलॉग से ही चीजें क्लियर कर देते हैं। ये माइम है एक टर्म, माइम का मतलब भी होता है बुआ कि जेस्चर से, बिना डायलॉग के अपने जेस्चर बिहेवियर से चीजें एक्सप्रेस करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना। डायलॉग सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, एक्सेसिवली यूज्ड, ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। द ह्यूमन बॉडी बिकम्स द मेन टूल, द ह्यूमन बॉडी बिकम्स द मेन टूल इन विच कोरियोग्राफी, दैट इज डांस स्टेप्स, या फिर कुछ भी किसी तरह का एक्टिविटीज होता है, उसको ऑर्डर करना, अरेंज करना, ठीक है। माइम, डायलॉग, सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स आर, ये सारी चीजें ही ज्यादा यूज किया जाता है, ना कि प्रॉप्स, ठीक है। ये सब चीजें रेगुलर ड्रामा में यूज होते हैं, स्ट्रीट ड्रामा में बॉडी इनफ होता है, ठीक है। स्ट्रीट थिएटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट मीडिया, इंटीमेट मींस क्लोज मीडिया, ठीक है, ये जनता से जुड़ा हुआ मीडिया होता है, मीडिया इज जिसके मदद से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है ना। इट्स अपील इज टू द इमोशंस, इट्स अपील इज टू द इमोशंस लीडिंग टू क्विक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब ये किसी अवेयरनेस प्रोग्राम के को चला रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली अपने एक्ट के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके दिमाग पे असर होता है, अच्छा ये कहना चाह रहा है, ये संदेश देना चाह रहा है ना, तो दैट इंट्रीग्स यू, ठीक है ना, दैट इंस्टिगेट्स यू, आपको सोचने के लिए मजबूर करता है वो चीज़ें। तो यही इसीलिए यहाँ लिखा है, इट अपील्स टू द इमोशंस,
लीडिंग टू क्विक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, आपकी साइकी पे, आपके माइंड पे प्रभाव पड़ता है ऑडियंस के, तो आपके मेरे सबके जो देखते हैं उनके, बाय बीइंग लोकल एंड लाइव। लोकल एंड लाइव क्यों? क्योंकि हम सब के पहुंच में होता है ये चीजें। हम लोग हॉल नहीं जा सकते हैं, हम लोग सब कोई OTT का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता है, लेकिन स्ट्रीट थिएटर क्या होता है, ये सब लोग आपके घर पे ही आ जाते हैं, मतलब एक्चुअली घर पे नहीं आते हैं लेकिन आपके स्ट्रीट पे ही कभी देख सकते हैं, कभी आप कहीं रोड पे जा रहे हैं तो आपको दिख जाएंगे इस तरह से। इसलिए ये लोकल और लाइव होते हैं। दे ऑल्सो आर एबल टू एस्टैब्लिश नॉट ओनली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस बट बाय बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव, और इनमें ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है ना हॉल जाने में। और OTT नए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट हमारे हम सब के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, हम सब के लिए वो क्या कहते हैं एक्सपेंसिव हो सकता है, पर ये स्ट्रीट थिएटर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सबके सबके लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल दे आर पॉपुलर अमंगस्ट ऑल एज ग्रुप्स, और बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए ये होता है, ठीक है। हाँ आई बात, ये आपको समझ में आ गया रीडिंग, ये पैसेज समझ में आ गया। पैसेज समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए तो क्या आप सभी आंसर कर लेंगे आप सभी? चलिए तो पहला आंसर कीजिए, एज अ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट स्ट्रीट थिएटर क्या करता है, क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करता है क्या, या फिर इट अफेक्ट द कोर्स ऑफ रिवर गंगा के प्रवाह को बदल देता है, ऐसा करता है उसको पे कुछ करता है क्या? हेल्प्स पॉपुलराइज सोशल रिफॉर्म्स या हेल्प्स मेक एक्सप्रेस वेज, देख रहे हैं ऑप्शंस कैसा है, अब बताइए क्या होगा, बताइए बुआ। सब लोग सी कह रहे हैं तो यहां पे हम सी ही टिक करेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रीट थिएटर क्या करता है, सोशल रिफॉर्म की बात करता है, समाज में बदलाव परिवर्तन की बात करता है, और परिवर्तन किस ओर, सकारात्मक दिशा में, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ बहुत अच्छा, निशिता वाजपेयी हेल्प्स पॉपुलराइज सोशल रिफॉर्म्स। अगला बताइए, स्ट्रीट थिएटर इज बोगस एंड रबिश, खराब है, बर्बाद है, ऐसे ही ट्रिवियल है, कोई काम का नहीं है, वेरी एक्सपेंसिव एंड फुल ऑफ फ्रिल्स, बहुत महंगा है और बहुत तामझाम है, इम्प्रैक्टिकल, टेस्टलेस एंड केयर्स लिटिल फॉर द ऑडियंस, ऑडियंस का ध्यान नहीं रखता है प्रैक्टिकल लेवल पे, यानी कि आम जनजीवन में संभव नहीं है, और कोई खास इसका टेस्ट यहाँ पे वो वाला टेस्ट नहीं है, मतलब वो अच्छा नहीं है, ठीक है। सब ने आंसर किया है डी, बहुत अच्छा, अफोर्डेबल होता है स्ट्रीट थिएटर, अफोर्डेबल होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, स्ट्रीट थिएटर क्रिएट्स एन डैश इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, इम्पैक्ट किस तरह का इम्पैक्ट बनाता है, स्यूडो यानी कि फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स या नॉट रियल, ठीक है। स्ट्रेसफुल, थकाने वाला, टायरिंग एंड अनहैप्पी इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, इमोशनल, अनसाइंटिफिक, एरोगेंट एंड केयरलेस, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, किस तरह का प्रभाव डालता है। वाह बच्चों वाह, सब बी कह रहे हैं, सब ने बी कहा, बहुत अच्छा। बी में क्या है, इमोशनल प्रभाव डालता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है, हमें सोचने के लिए मजबूर करता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। स्ट्रीट थिएटर इश्यूज सेल्डम डील्स विद द इश्यूज, मुद्दा है यहाँ पे, ठीक है ना, मैटर, टॉपिक, कुछ भी लिख सकते हैं, टॉपिक, मैटर, मुद्दा, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा, कैसे लिखते हैं, टॉपिक, मैटर, ठीक है।
इज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छा खराब क्या कोई मतलब नहीं है, उसको इनडिफरेंट कहते हैं, ठीक है ना। मोस्टली डील्स विद द इशूज ऑफ इम्पोर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, इतना तक रहने देते। स्ट्रीट थिएटर इशूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो इससे डील कर नहीं करता है, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी नहीं करता है, या इससे कोई मतलब नहीं है, या इसी से डील करता है, डज नॉट एट ऑल डील विद दीज इशूज। चलिए सब सी लिख रहे हैं, मोस्टली डील्स विद, इन्हीं चीजों से ही डील करता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, क्या आप सबको ये पैसेज समझ में आया, किसी को कोई समस्या? चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया, तो स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया क्या होगा, आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या होगा? चलिए मैं करता हूं। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंशिएंट फॉर्म। अगर आप ध्यान देंगे तो पहला लाइन यही था पैसेज का। ओह हाँ, यहां देखिए, स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म, है ना। अब देखिए, टुडे स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटीज, अब क्या वहां था ना एक पैसे में लिखा हुआ कि अनलाइक ओल्ड एज, अब विलेजेस तक सीमित नहीं रह गए हैं, अब ये स्टूडेंट्स भी परफॉर्म कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, हर जगह, ठीक है। तो टुडे स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटीज व्हाट इन इंडिया परफॉर्म स्ट्रीट थिएटर, होगा ना, तो बी का टू हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा बच्चों, ए का चार, फिर थीम्स ऑन सब्सटेंस अब्यूज, एड्स अवेयरनेस, डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा आर सम हाइलाइटेड आर एरियाज हाइलाइटेड बाय कंटेम्पररी स्ट्रीट थिएटर, दैट इज सी का वन, और आखिरी है स्ट्रीट थिएटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट मीडिया, क्लोज मीडिया, सबसे लोगों से जुड़ा हुआ, डी का थ्री। तो क्या क्या हुआ देख लेते हैं, ए का चार ऐसे देख लेते हैं, फिर आया बी का टू, फिर आया सी का वन, और डी का थ्री, लेकर थ्री। अब देखिए मैच कर लेते हैं, और यहां दिख गया, यहां दिख गया, है ना। अब बताइए यहां तक किसी को कोई परेशानी, यहां तक किसी को कोई परेशानी, यहां तक किसी को परेशानी? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए अगले पैसेज की ओर। अगले पैसेज की ओर बढ़ा जाए। चलिए इसका पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ध्यान से क्वेश्चन देख लेंगे। ये सभी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप या तो पैसेज पढ़ें पहले या तो क्वेश्चन पढ़ें पहले। काम होना चाहिए, काम इस सेंस में होना चाहिए कि अगर आप पहले पैसेज पढ़ते हैं तो पांचों का पांचों क्वेश्चन बिना वापस पैसेज पे जाए बन जाए, और पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर पैसेज पढ़ते हैं तो जब पढ़ के वापस आइएगा तो सारा क्वेश्चन बनना चाहिए बिना वापस पैसेज पे जाए, ठीक है।
एक बार चल जा सकते हैं, दो बार जा सकते हैं, पर लगातार 6 क्वेश्चन है तो 6 बार गए ऊपर, 6 बार वापस आए, तो बहुत ही ये थकाने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये इंडिविजुअल और इंडिविजुअल पे वैरी करता है, इसमें आपस में वो नहीं करने का जरूरत है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पैसेज पढ़े कि क्वेश्चन, पैसेज पर पहले वाले में क्वेश्चन पढ़े थे, इसमें पैसेज पढ़ लेते हैं ध्यान से, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अल्फ्रेड नोबेल द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, डायनामाइट एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है ना। इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट इज नोन टू हैव डाइड एन अनहैप्पी मैन। अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, ठीक है, और क्या कहता है कि इज नोन टू हैव डाइड एन अनहैप्पी मैन, एंड व्हेन ही डाइड ही वाज एन अनहैप्पी मैन। उनको कुछ ना कुछ डिससैटिस्फैक्शन रह गया होगा, कुछ चीजें उनको परेशान कर रही होंगी, तो वो एक कहते ना कि अच्छा वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी था उनका, एंड ही डाइड वेरी पीसफुली। पर अल्फ्रेड नोबेल के साथ ऐसा नहीं था, ही डाइड अनहैप्पीली, ठीक है, क्यों, ही सॉ, ये हटता है, हाँ, ही सॉ हिज वंडरफुल इन्वेंशन being used not in the service of man as he wanted it to be। कहने का क्या मतलब है, जो आविष्कार उन्होंने किया वह चाहते थे कि वह मानव के सर्विस में, सेवा में उसका यूज हो, पर वैसा नहीं हुआ। He saw his wonderful invention being used not in the service of man as he wanted it to be। यानी कि गलत इस्तेमाल हुआ है ना, माँ मेरी शक्तियों का गलत उपयोग किया गया, ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए ही डाइड अनहैप्पीली, क्योंकि वो चाहते थे समाज का कल्याण करने के लिए कुछ आविष्कार करके, पर उसका गलत यूज हो गया, ठीक है, डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो गया, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज हो गया। क्या यूज हुआ, देखिए, डायनामाइट वॉज बींग यूज फॉर द पर्पस ऑफ वॉर, वॉर के लिए इसका यूज होने लगा, ठीक है ना, वॉर के लिए डायनामाइट का यूज होने लगा, तो वो परेशान हो गए, दुखी हो गए। द पावर ऑफ एटम, अब डायनामाइट का जगह कौन ले लिया, एटम ले लिया, क्या कह रहा है, द पावर ऑफ द एटम टूडे रिप्लेसेस, यानी कि सब्स्टिट्यूट्स, एक को हटा के दूसरा आ जाना, यही होता है रिप्लेस, वर्ड्स याद रखने हैं। द पावर ऑफ एटम टूडे रिप्लेसेस डायनामाइट इन दिस रेस्पेक्ट, ठीक है, अब उसका जो काम डायनामाइट का था अब एटम कर रहा है, कैसे देखते हैं। इट हैज ऑल द पोटेंशियल, पोटेंशियल इज क्षमता, योर कैपेबिलिटी, ठीक है, योर एबिलिटी टू डू समथिंग इज योर पोटेंशियल, तो इट हैज ऑल द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, दुनिया तबाह करने के लिए इसमें पूरी क्षमता है एटम में, ठीक है, और कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से ना, इट हैज ऑल द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड ट्वाइस और थ्राइस ओवर, दो तीन बार ये पूरा दुनिया खत्म कर सकता है, एटम में इतना क्षमता है। बट इट हैज ऑल्सो द पावर टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू बी इन, पर इसमें यह भी अच्छाई है, इसमें भी एक अच्छा क्षमता यह भी है कि यह दुनिया को एक बढ़िया जगह बना सकता है रहने के लिए। कितना क्योटिक है, फुल ऑफ क्योस है, बहुत अशांति है, सब लोग एक जगह वॉर हो रहा है, कोई यहाँ फेंक रहा है बम, कहाँ कुछ यहाँ पे बंदूक चल रहा है, ये चीज़ें हैं, पर एटम इसके साथ साथ ये भी कर सकता है कि दुनिया में शांति भी ला सकता है, एनर्जी का देने का काम कर सकता है, फ्यूल का रिसोर्स बन सकता है, ठीक है। इट इज आवर चॉइस व्हाट वी मेक ऑफ इट, पर चूंकि अब एटम तो खुद तो कर नहीं सकता है, एटम या डायनामाइट कुछ भी हो तो खुद से तो फट नहीं जाएगा ना, या उसका क्या यूज करेगा ह्यूमन, ये ह्यूमन पे पूरी डिपेंड होती है चीज, ठीक है ना। तो इट इज आवर चॉइस व्हाट वी मेक ऑफ इट, व्हाट वी मेक ऑफ एटम, ठीक है। अब देखिए, व्हाट द एटम कैन डू फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर अस टुमारो
हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, हैज बीन शोन, दिखाया गया है प्रैक्टिकल करके, ठीक है, has been shown. तो एटम क्या कर सकता है? That has been shown to us time and again. बहुत बार हमारे कंट्री में ही दिखाया गया है. ऐसा ही पैसेज कह रहा है. क्या दिखाया गया? देख लें थोड़ा. We have nuclear power stations. हमारे पास क्या है? Nuclear power stations हैं, जहाँ पे nuclear fission होते हैं. ठीक है? Weapons भी बनाए जाते हैं और energy भी create किया जाता है. फ्यूल के लिए. तो दैट यूजेस, अब क्या कह रहा है? वी हैव न्यूक्लियर पावर स्टेशन दैट यूजेस अ फ्यू टन्स, जो यूज करता है यूरेनियम. ठीक है, क्यों यूज करता है? टू जनरेट पैदा करने के लिए. क्या? टू जनरेट इनॉर्मस पावर. इनॉर्मस इज बहुत ही ज्यादा. ठीक है, बहुत इन लार्ज क्वांटिटी. इनॉर्मस power that normally would have needed millions of tons of coal. तो जो यूरेनियम, जो एटम जो है, वो बहुत ज़्यादा पावर वो जनरेट कर दे रहा है. उतना पावर जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोल का जरूरत होता. ठीक है, इतना तक किसी को कोई समस्या? इतना समझने में? चलिए, ठीक है. तो कहाँ थे? डायनामाइट को एटम रिप्लेस किया. एटम अच्छा भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है. यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर भी है, जिसमें यूरेनियम एटम का यूज किया जाता है एनर्जी, दैट इज पावर जनरेट करने के लिए. ठीक है, और जितना ये जनरेट करता है, अगर नॉर्मली देखा जाए, तो इसके लिए हमको मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल लग जाएगा. ठीक है ना, तो ये कम में ही काम कर देता. टेक द मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट. मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट एट कलपक्कम इन तमिलनाडु. हो सकता है ये क्वेश्चन रहे कि उसमें बताइए कि मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ है. उसमें क्वेश्चन दे देगा और चार ऑप्शन दे देगा, तो आपके पास में तमिलनाडु लिखा हुआ है. ठीक है, इट्स टू रिएक्टर्स विल, यहां देखिए, इट्स दो रिएक्टर है. कितना रिएक्टर है? दो रिएक्टर है मद्रास पावर प्रोजेक्ट में. विल टुगेदर जनरेट हीट इनफ टू प्रोड्यूस 410 मेगावाट ऑफ पावर्स. दो रिएक्टर मिलके कितना पावर जनरेट करता है? 410 मेगावाट. ठीक है, 410 मेगावाट पावर जनरेट करता है. एज अगेंस्ट सम 40 टन्स ऑफ फ्यूल. ठीक है, नीडेड टू रन दीज रिएक्टर्स. अब क्या है कि अ कोल फायर्ड पावर स्टेशन. वो पावर स्टेशन तो क्या है? यूरेनियम और उस जैसे कि ही एटम से चलता है, लेकिन अगर कोल से चलाया जाए रिएक्टर को, कोल का यूज किया जाए, तो क्या होगा? अ कोल फायर्ड, कोल सपोर्टेड कह सकते हैं ऐसा. ठीक है, पावर स्टेशन ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, उतना पावर जनरेट करने के लिए वुड हैव रिक्वायर्ड, उसको जरूरत होता सेवरल थाउजेंड टन्स ऑफ कोल. ठीक है, इतना चाहिए होता टू बी होल्ड. इसका मतलब होता है बउआ एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को लाना. होल्ड ऑल द वे फ्रॉम बिहार और आंध्रा ओवर थाउजेंड ऑड किलोमीटर्स डे आफ्टर डे. कहने का क्या मतलब है? एक एटम वाला रिएक्टर है बउआ, जो बहुत ही आसानी से काम कर दे रहा है, और दूसरा रिएक्टर अगर मान के चलते हैं कोल से होता, तो एक तो लाने में खर्च, ले जाने में खर्च, ऊपर से बहुत ही भारी मात्रा में वो जरूरत होता, जिसको रिप्लेस करके एटम बहुत ही आसानी से काम कर दे रहा है. ठीक है, तो ये फैक्चुअल पैसेज है बउआ, और बहुत सारे इसीलिए कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि पैसेज जब आप बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि पैसेज पूरा नहीं पढ़ना होता है, कुछ आप चीज़ें छोड़ सकते हैं. ठीक है, आपको जो आपका आँख सिर्फ जरूरी इन्फॉर्मेशन पे ही जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद होता है. इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हमको लेना है, कौन सा छाटना है, मेरे क्वेश्चन के लिए क्या जरूरी है, दैट विल बी नाउ. ठीक है, सारे वर्ड, सारे सेंटेंसेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं पढ़ते हैं, पर ये तब करते हैं जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस क्वेश्चंस का होता है तब.
फ्रॉम द यूज्ड यूरेनियम, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यूरेनियम से फ्यूल निकाला, अब जो यूज हो चुका है यूरेनियम रिएक्टर में, उससे भी हम लोग प्लूटोनियम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब जो प्लूटोनियम है, ठीक है, और स्पेंट यूरेनियम है, जो अलग किया हुआ जो निकला एटम और जो खर्च है, जो जिस यूरेनियम को खर्च किए हैं और उससे हम लोग एनर्जी निकाले हैं, दोनों का मिक्सचर कुड अगेन बी यूज्ड इन व्हाट इज कॉल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फिर से इसका हम लोग फ्यूल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। क्या होता है एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं काम आ जाए तो, ठीक है। तो फिर से, और ये डबल हुआ, और फिर आगे लिखता है, देखिए ट्रिपल भी कहेगा, बिकॉज दिस टाइप ऑफ ब्रीडर रिएक्टर्स वुड प्रोड्यूस मोर प्लूटोनियम देन इज पुट इन, एंड देन वी हैव द फेनोमेनन ऑफ पावर हाउस विच जनरेट मोर फ्यूल्स। सिंपली इस पैसेज का आगे बहुत ही बेकार है, कोई यूज नहीं है। कहता है कि फिर से थर्ड जनरेशन की बात कहेगा, कि थर्ड पहले फ्यूल निकाला, फिर फ्यूल और फ्यूल निकाला मिक्सचर बना के, और फिर कह रहा फिर और फ्यूल निकलेगा। इन थर्ड स्टेज इंडिया रिच डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम, इंडिया में थोरियम का भी खान है, ठीक है। तो थोरियम कुड बी यूज्ड इन द फास्ट ब्रीडर टू प्रोड्यूस येट अनदर यूरेनियम बेस्ड फ्यूल। देख रहे हैं, बार बार बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव और बोरिंग पैसेज है ना बच्चों, है ना बच्चों, है ना। हाँ ठीक है, फिर तो बता दीजिए यूरेनियम का कौन सा वाला आइसोटोप होता है जो वो वाला फिजन में काम आता है, बम बनाने में काम आता है, ठीक है। कमेंट में नहीं बताइएगा, छोड़ दीजिए, वैभव सर की क्लास में बताइएगा, ठीक है ना, कि यूरेनियम का आइसोटोप कौन सा वाला होता है, 235 वाला कि 238 वाला, ठीक है। चलिए, तो सिंपली फ्यूल, फ्यूल लिखा है कि एनर्जी के लिए, यानी कि वो जो अल्फ्रेड नोबेल जो अनहैप्पी थे कि उनका गलत हाथ में चला गया, चीजें सही से यूज नहीं हो पाई, उनका गलत यूज किया गया। तो अब क्या देख रहे हैं कि फ्यूल के ही बारे में बात किया जा रहा है, सिंपली कैसे सही यूज किया जाए एटम्स का, ठीक है ना। इन दिस वे ऑल दैट वी नीड फॉर टेकिंग केयर, तो अब देखिए क्या कह रहा है, तो हमको क्या करने की जरूरत है, तो हम हमारे फ्यूचर के इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में रख के हमें अ फ्यू थाउजेंड टन्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम की जरूरत होगी, जो कि हमारे यहाँ है, ठीक है। क्या कह रहा है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, कहाँ गया, कहाँ से, From there, a third stage could be also be seen. In this third stage, India's rich deposits of thorium could be used in fast breeder to produce yet another uranium-based fuel for use in the third generation reactor. In this way, all that we need for taking care of our future electricity needs would be a few thousand tons of uranium and thorium. Yani ki hum log को क्या है, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर की स्थिति अगर बढ़िया हो करने के लिए क्या जरूरत होगा, तो सिंपली फ्यू थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम। और क्या कह रहा, दिस वुड बी सफिस इज इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है, सफिशियंट। थियोरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली, पेपर पे ये सही है कि अगर आपके पास इतना चीज है, इतना आपके पास रिसोर्सेस हैं, तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स और मोर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए,
ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। Who invented the dynamite and what was the objective behind the intention? Objective is aim, ठीक है, aim, purpose, ठीक है। तो किसने डायनामाइट का आविष्कार किया और उसके आविष्कार का पर्पस क्या था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और मैनकाइंड के सर्विस के लिए, मैनकाइंड के सर्विस के लिए आविष्कार किया था। तो आंसर डी सही है, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस कैन वी यूज द मैक्सिमम ऑफ प्लूटोनियम एंड द स्पेंट यूरेनियम, यानी कि जो खर्च हुआ यूरेनियम है और प्लूटोनियम जो उससे निकलता है, इसका मिक्सचर को किस काम के लिए यूज करते हैं? सब लोग डी लिख रहे हैं, ए सी क्या होगा, जल्दी बताइए। बउआ, इट कैन बी यूज्ड अगेन इन व्हाट इज कॉल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एज अ फ्यूल, ठीक है। हम लोग इसका यूज नहीं करना है बेटा। इसमें क्या लिखा हुआ है बउआ, कि ये हम लोग बात नहीं किए हैं, हम लोग सही यूज की बात किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, पूरे पैसेज में फ्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए ये वाला सही होगा, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड अगेन इन व्हाट इज कॉल्ड अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एज अ फ्यूल, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट एट कल्पक्कम इन तमिलनाडु के बारे में। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए थे ना, तो पूछ रहा है कौन सा फैक्ट सही नहीं है, ठीक है। तो मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हैज टू रिएक्टर, सही की गलत, सही की गलत, ये सही है। तो प्लूटोनियम कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द यूज्ड यूरेनियम इन दिस रिएक्टर, इसको होल्ड पर रखते हैं, ठीक है। अगला है, इट प्रोड्यूसेस 410 मेगावाट ऑफ पावर, 410 मेगावाट ऑफ पावर, तो ये भी उसमें लिखा हुआ था और ये भी उसमें लिखा हुआ था पैसेज में। इट रिक्वायर्स 40 टन्स ऑफ फ्यूल टू रन द रिएक्टर, और ये बात भी उसमें मेंशन था। तो ये चीज जो प्लूटोनियम सेपरेट नहीं करता है, उसमें साफ साफ शब्दों में क्लियर लिखा हुआ था कि प्लूटोनियम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द यूज्ड यूरेनियम इन दिस रिएक्टर, तो ये बात इसमें सही नहीं है और आंसर यही सही है, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़िया, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इमेंस फ्यूचर नीड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत को पूरा करने के लिए सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे आखिर में सॉल्यूशन दिया हुआ था, सबसे आखिर में सॉल्यूशन दिया हुआ था बच्चों, यूजिंग अ फ्यू थाउजेंड टन्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम फॉर पावर जनरेशन, एस्टैब्लिशिंग मोर यूनिवर्सिटीज फॉर ग्रेटर रिसर्च, एस्टैब्लिशिंग मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, बाइंग मोर क्रूड ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, क्या? हाँ, सब लोग ए बोल रहे हैं, सब लोग समझदार हो गए हैं। यूजिंग अ फ्यू थाउजेंड टन्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम फॉर पावर जनरेशन, ठीक है। अगला, द पैसेज इंप्लाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पैसेज ये सारी बातें कर रहा है एक को छोड़ के। तो एटॉमिक पावर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड पीसफुल पर्पस, पैसेज ये बात तो कर रहा है, कर रहा है ना, ठीक है। द एटम प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, द एटम प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, ये कर रहा है कि नहीं बताइए। इंडिया हैज सक्सेसफुली यूज्ड द एटम फॉर द जनरेशन ऑफ क्लीन एनर्जी, सही की गलत, सही की गलत।
इंडिया प्लान्स टू यूज एटॉमिक पावर टू मैन्युफैक्चर एटॉमिक वेपन्स इन द फ्यूचर, ऐसा कुछ है क्या? यही गलत है, नहीं बुआ? यही गलत है। बाकी चीजें पैसेज में मेंशन है कि डिस्ट्रक्टिव और पीसफुल दोनों पर्पस के लिए एटॉमिक पावर का यूज किया जा सकता है। एटम बेटर फ्यूचर का पॉसिबिलिटी रखता है क्योंकि इससे फ्यूल और एनर्जी क्रिएट किया जा सकता है। इंडिया है सक्सेसफुली यूज द एटम, एनर्जी क्रिएट करने के लिए इंडिया ने एटम का सही इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन इंडिया का कोई इंटेंशन नहीं है ये करने का। ठीक है, तो ये क्या है, द पैसेज इंप्लाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसको छोड़कर ये तीनों सही है, यानी कि आपका आंसर ये सही है। ठीक है, चलिए बढ़िया, ये कर लीजिए, उसके बाद फिर छुट्टी, ये कर लीजिए। ठीक है, ये आंसर दे दीजिए, इसके बाद छुट्टी। चलिए देख लेते हैं। अल्फ्रेड नोबल डाइड एन अनहैप्पी मैन बिकॉज ही सॉ दैट हिज वंडरफुल इन्वेंशन वॉज नॉट बींग यूज इन द सर्विस ऑफ मैन, यानी ए का क्या हो गया, 4। Today the power of the atom can what? Replace the dynamite. कर सकते हैं ना, तो B का 3। फिर the Madras Atomic Power Project is situated at place called Kalpakkam in Tamil Nadu. 2। और आखिरी है uranium based fuel can be used in third generation reactor, यानी 1। तो आंसर क्या हो गया बउआ, यहां लिख लें क्या, A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1। 4, 3, 2, 1, ये देखिए। ठीक है, ऐसे ही करना है, हालांकि इसमें सिर्फ ए का 4 लिखा हुआ था तो वैसे आप छांट सकते हैं, पर ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है। ठीक है, गलती होने का संभावना कम रहेगा। ठीक है, चलिए, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत? इसी तरह से आप अपने घर पर बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और कोई समस्या होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बढ़ते रहिए।